नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। दरभंगा लोकसभा सीट महागठबंधन के अंदर इस सीट को लेकर के काफी तनातनी के हालात बन रहे। आखिरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि महागठबंधन से राजद के कैंडिडेट हैं, उनके दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई। घोषणा होते ही तमाम तरह की अटकलें सामने आने लगी। अली अशरफ फातमी, जो कि कद्दावर नेता है, वो रूठ गए। उनको नसीहत दी है अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे, क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले सुनिए। पार्टी ने और महागठबंधन ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उनके प्रति हमारा आभार है, धन्यवाद है। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि उनके विश्वास पे खड़ा उतरूँ। जो आरजेडी खेमा है, उसका एक बड़ा सबका आपके टिकट मिलने से नाराज भी चल रहा है, उसको कैसे मना पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब टिकट का समय आता है तो बहुत लोग उम्मीदवार बनते हैं, उसमें से किसी एक ही को टिकट मिलता है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, मगर वे सब हमारे साथी हैं और इसको कभी भी इस तरह का प्रतिष्ठा नहीं बनाना चाहिए कि मुझको नहीं मिला, उनको मिल गया। तो पार्टी से हम जब जुड़े हुए हैं, पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, पार्टी के विचारों से जब हम जुड़े हुए हैं, पार्टी के जो नेता के प्रति जब हमारी आस्था है, तो नेता का लिया गया निर्णय सर्वोपरि। लेकिन अली अशरफ फातमी बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम के, बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम के लीडर हैं और हमको इग्नोर करने से तमाम मिथिलांचल बिहार के सभी सीटों पर असर पड़ेगा और खासतौर से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी तक इसका व्यापक असर दिखेगा। मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी से कट जाएगा, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है। अब ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो हमने सुना नहीं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अगर ऐसा कहा तो ये सही है? क्या मुस्लिम वोट सिद्दीकी साहब से कट जाएगा? अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चाहें जाके नहीं, या कोई कद्दावर नेता भी चाहे, तो मीडिया बसों पे चुनाव होगा। एक तरफ जो है वो धारा है जो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये आखिरी चुनाव है, आगे 2024 में चुनाव नहीं होगा। तो उसके विपरीत जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान में की शपथ खाने वाले लोग हैं, उन लोगों को उस ताकत और उस विचार का जवाब देना है। आज अगर चुनाव है तो रिक्शे वाले का भी पूछ है, आज अगर चुनाव है तो ठेला वाला और मजदूर और किसान का भी पूछ है, और जब चुनाव ही खत्म हो जाएगा तो फिर कौन पूछेगा? तो इन बातों को देश की जनता ने गंभीरता से लिया है कि संविधान की रक्षा करना है, और जो लोग यह कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, उनको मुंह खानी पड़ेगी और उनको देश की जनता, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग उसका मुंह तोड़ जवाब। बात असल ऐसा है कि जो उनके बीच की बात है और आला कमान के बीच की बात है, उसमें हम कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। वो तो टिकट कटाने का आरोप भी आप ही लगा रहे हैं, टिकट कटवाने का भी आरोप लगा रहे हैं और पिछला चुनाव हरवाने का भी आप आरोप लगा रहे हैं। हम बहुत कमजोर आदमी हैं, हमको कोई भी थप्पड़ मार सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, मगर जहाँ तक पिछला चुनाव लोकसभा का है तो एकमात्र मेरा विधानसभा क्षेत्र था जहां उनकी लीडिंग हुई थी। पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, क्या क्या मांग करेंगे आप?
अली अशरफ फातमी के खिलाफ पार्टी के विरुद्ध बयान देने का कार्रवाई की मांग करेंगे क्या? भाई मैं कोई कार्रवाई की मांग नहीं करता हूँ। मैं अर्जुन के तरह चिड़िया की आंख की पुतली पर हमारी नजर है कि भारतीय जनता पार्टी और संविधान तोड़क तत्वों को मुझे हराना। कितने से जीत की उम्मीद है सर दरभंगा से? जीत की कितनी उम्मीद है दरभंगा से? कितने वोटों के अंतर से मात देंगे एनडीए को? छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, मगर जो लोग ये समझते हैं हम कमजोर हैं यहाँ, समझा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से जीत के जाऊँ। तो आपने सुन लिया अब्दुल बारी सिद्दीकी किस तरह से नसीहत दे रहे थे अली अशरफ फातमी को, या फिर यूं कहें कि राजद से रूठे अली अशरफ फातमी को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे थे। जो नजारा देखने को मिला अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे ही दरभंगा पहुंचे, वहां पर राजद के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी के पहुंचते ही मोटरसाइकिल और चरपहिया वाहनों से रोड शो निकाला गया, जिसमें चुनाव प्रचार भी किया गया और लोगों से जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए। फिलहाल हम आपको बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, अगर उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वहीं विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।